दोस्तों, अनु कपूर पिछले काफी समय से चर्चा में चल रहे हैं। एक इनकी फिल्म आई थी हम दो हमारे 12, और उसे लेकर काफी विवाद चला हुआ था, क्योंकि वो फिल्म जो थी वो मुसलमानों के खिलाफ थी, जिसमें ये बताया गया था कि हम तो दो हैं लेकिन हमारे औलादे बहुत सारे हैं, हम जनसंख्या बढ़ाने में जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, जिसे लेकर काफी ट्रोलिंग की गई थी। लेकिन अब इन्होंने एक पॉडकास्ट में एक ऐसी बात कह दी है जिसके चलते लोग इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग। इनका ये कहना है उस पॉडकास्ट में कि शाहरुख खान की जो फिल्म आई थी चक दे इंडिया, इसमें मुसलमानों को अच्छा दिखाने के लिए शाहरुख खान को ये रोल दिया गया था। शाहरुख खान ने ये रोल चेंज करवा दिया था कि मुस्लिमों को इसमें अच्छा दिखाना है। मुस्लिम कोच को वहां पर दिखाया गया, कबीर को, और जबकि रियल लाइफ का वो किरदार रंजन नेगी के नाम से था, उस किरदार को हटा के, हिंदू किरदार को हटा के मुस्लिम किरदार को महान दिखाने की कोशिश की गई। हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में यही होता है कि मुस्लिमों को अच्छा दिखाया जाता है, और जहां पर साधु संत पुजारी होते हैं उनको गलत तरीके से दिखाया जाता है, गलत तरीके से पेश किया जाता है। और हम बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, बात करते हैं सेकुलरिज्म की, बात करते हैं, और बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा ही होता है। अब इस इंटरव्यू के बाद लोग पीछे पड़ गए, लगता है कि इनको भी बीजेपी का टिकट चाहिए, इस वजह से ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन वही काम जब विनेश फोगाट कर रही थी, जब लोगों ने कहा कि इसको कांग्रेस का टिकट चाहिए, तब कांग्रेस के सपोर्टर कह रहे थे कि बीजेपी वाले जल रहे हैं, वो इंसाफ की बात कर रही है तो उसको कांग्रेस का टिकट चाहिए, ऐसा कह के उसे ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि वो विनेश फोगाट चुनाव लड़ती है, जीती भी है कांग्रेस से, लेकिन अनु कपूर ने अपने दिल की बात कह दी तो भाई ये गलत हो गया। अब बॉलीवुड की फिल्मों में ये तो हमने बहुत सी चीजें देखी है कि किस तरह से हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। ये तो झूठ नहीं है कि हर एक विलन को टीका लगा के हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, भगवा वस्त्र पहने हुए उसे विलेन दिखाया जाता है, गलत हरकत करते हुए दिखाया जाता है, मांस मदिरा का सेवन करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन हर फिल्म में अब्दुल जो होता है वो बहुत नेक होता है, हीरो की मदद करता है, और हीरो की मदद करने के चक्कर में गोली भी खा जाता है, मौत हो जाती है, और ये तमाम चीजें दिखाई जाती है। पीके फिल्म में आपने देखा ही कि किस तरह से राजकुमार हिरानी ने जो फिल्म बनाई थी जिसमें आमिर खान ने काम किया था, जिसके चलते काफी ट्रोलिंग की गई आमिर खान की, और जिसके चलते इनकी लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, और जिसके चलते ये डिप्रेशन में भी चले गए थे। उसके बाद ये अपने ऑफिस में हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करवाते हैं, दीपावली के मौके पर तरह तरह की चीजें करते हैं हिंदुओं को लुभाने के लिए। तो ये आमिर खान है। ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जहां पर हिंदुइज्म का मजाक बनाया जाता है। ऐसी इस चैनल पर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने ऐसी कई सारी वीडियोस बनाई है। अब ये बात अनु कपूर ने कह दी तो लोगों को बुरा लग रहा है, और इससे पहले, अनु कपूर से पहले बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि ये किरदार रंजन नेगी नाम के जो व्यक्ति थे उनके ऊपर आधारित थी। लेकिन यहां पर शाहरुख खान को दिखा दिया गया, एक मुस्लिम किरदार को दिखाया गया कि वो किस तरह से अच्छा देशभक्त होता है, वो देश के खिलाफ नहीं जाता है, देश के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अब देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ भी नहीं है। हमारे देश में इस चीज को लेकर काफी बहस चलती रहती, काफी पॉलिटिक्स भी होती रहती है, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में भी इलेक्शन आने वाले हैं, झारखंड में भी, और ऐसे में जब ये मुद्दा आया है तो फिर से ये मुद्दा भभक उठा है। ऊपर से यूपी में बहराइच में जो दंगे हुए, ये तो चारों तरफ चल ही रहा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ट्रेंडिंग है। आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां क्या करती है, वो भी तो वही करती है, लेकिन नहीं मानना है। नहीं, बीजेपी ही सिर्फ नफरत फैलाती है, बाकी हमारे वाले तो, पार्टी वाले तो एकदम प्यार की गंगा बहाते हैं, वो तो नफरत फैलाते ही नहीं है, ये बीजेपी के आने के बाद ही ऐसा हुआ है। बाकी 84 का दंगा, फिर उसके बाद आपातकाल, फिर जबरदस्ती नपुंसक बना देना, वो ऑपरेशन वगैरह करके, फिर दंगे जितने हुए हैं, ये सब भाई बीजेपी की सरकार नहीं थी तभी, ये कांग्रेस की सरकार थी तब हुए हैं इतने सारे दंगे। 93 का दंगा, उसमें भी कह देंगे सब। देखो, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहिए ज्यादा, लेकिन जो बातें सच है वो तो कहनी चाहिए। तो अनु कपूर को जो ठीक लगा उन्होंने कहा, और रियलिटी बेस्ड पर कहा है, ये फिल्म वाकई में उन्हीं के ऊपर थी, लेकिन यहां पर दिखा दिया गया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला जो बात कही है, इसे लेकर काफी डिबेट चल रही है।